भौनिंग को प्रेमी समस्त भाई भौनी गत अध्याय मु आपण मानक पाखरे पहुँचे देथिले देवर्षि को जे देवर्षि शिक्षक महाशय को आत्मा ई भुकुटी रे अछि पा अछि बोले तार हुत केतटे प्रमाण तांको जणै सारिबा परे देवर्षि कहले हे शिक्षक महाशय मु त एबे आसी छ आपण को ग्राम भितर को टिके जिबा को मु एबे आसु छ शिक्षक महाशय आउ टिके आगो को जाउ छे लक्ष्य करियो मोर सज्जन बरखी आपण मानकर गाँव माटी रे आपण मानकर पवित्र जन्म माटी रे देवर्षि आपणकर परिवेश को देखिबा पाई आपणकर जीवन चरित्र को जानिबा पाई टिके आगो को चली छंती आउ टिके आगो को जिबा परे देवर्षि के कोन देखिले अकाळे बाबा जी सकाळे देखा अकाळे बाबा जी सकाळे देखा यही कथा परा रही छि लेखा आज यही कथा हेबो समीक्षा या देवर्षि नारद चली छंती गाँव मछिरे गाँव मछिरे आग को जाउथिबा अवस्था रे या दृष्टि पड़ी गला देवर्षि कर जने बाबूंकर पिंडारे केते जन बुढ़ा बुढ़ा मऊसा सब बसी छंती देवर्षि टिके अटकी गले भाविले हटात कोने गाँ भितर को पशु पशु ये बाबू को पिंडार कौन इत्ते जन बुढ़ा बुढ़ा मऊसा सब बसी छंती कथा कौन बोधे किसी गोटे गुरुतर अच्छे टिके देखिबा देवर्षि चिंता आसीगला जे ठाकुर कहते हैं देवर्षि तमें मर्त्य को जाओ देखिबा यही गोटे रूप से केमिति देवता दानव मानव सब फेंटा फेंटी मिसा मिसी होई अछंती तमे सेमान को लक्ष्य करिवो आ ज्ञान एवं चलनी भी तदारख कर लेखि आनिवो तो देवर्षि सही कथा को मन पके टिके अटकी गले देखिबा एठी ज्ञान रो परिप्रकाश होउछि ना अलगा कोन किछि कथा होउछि देवर्षि अटकी जाइछंती देखिबा को पाइले जने बूढ़ी माँ से आसी हाथ जोड़ी से बूढ़ा मऊसा मान मझे ठिया हेले देवर्षि भापिले ये माँ टी किए कौन बोधे कह आसिले माँ जनक हाथ जोड़ी कहते समस्त को बहु पाई सासु बुढ़ी भाई डकी अच्छी एबे भाई अच्छी रखी भी नहीं ए बहु नियम करुची एबे नियम देवर्षि सुनिले देवर्षि सुनिले जे कहउछंती बुढ़ी माँ जनक आज्ञा आपण मैने आम पिंडा को आज आसी मु आपण मान को निमंत्रण दे डाकी कहीं जानी मोर एकमात्र पुओ जार भोजी दिन काली गला आपण मैने संख्यार आसी मो घर भोजी खाई फेरिले से पुओ आज मोर गोटे बड़ समस्या सृष्टि कर जे ताको मु पचारी थिली जो झियटी को बहु करी आनिली से गोटे काली झिय विवाह पूर्व पुओ को पचारिली पुओ मु गोटे काली झिय को बहु करबा को स्थिर करिछि तोर एते किछि कहिबार अछि कि से किंतु मते मो कथा एकमत हेइथिला किंतु एबे आज कहुछि मु से बहु को रखिबिनी त पुओ ना कोन ना मंगुलिया मंगुलिया आ मंगुलिया को डाकिलु अरे मंगुली काइने मो बाबा अपेक्षा कले कले निश्चित गोटे समस्या समाधान हवा को जाऊ ठीक से समय युवक जनक आसिले सभा को पचरा गला कह मंगुली अरे तो मुझसे बुझी बात काली गला हां कौन कहो से भूख रखे ना धरन ना धरन कहे की हां बापा को आदि डाके के पंचायत डुके तो भी देख कहे की तू तो विवाह पूर्व मां तो कहि छे काली झियो बोली हां तले कौन अपराध कौन हैला कौन कोला हां कौन नकोला छी कौन कोला काली हमर भूखी बात होई थला सरे हां तमे समते आइ थलो हां 4 क्विंटल मटर ना आइ थला खाइ छ हां चारी पे के तमे अधिका मारे दी दी कार्टून मारे थी अच्छा अब पी जाओ तमे सब खाई पी के चले सुविधा कहला को बेसी देरी करना मत मो चले ले काम अछि मो बासर घर को मो जाउ छी हां फटाते जाने मो पछरु के आछि डाकिला हां भिकारी जने आसी डाकिला हां कहला बाबू खाइबे को दियो हां
मो संग संग कोली तू केरी ना कोले से भिकारी हां मो कोली तू एते बेले जाय कोन करथुल ना मो सोई पड़थे मो कोली तू जा सोई पड़ू राती पाइले तू आछु मो त खाइब दी ता माने भिकारी के तमे किछ खाइबे को देलो नाही राती बाटा बेले को उठछु खाली हातर भिकारी फेरी गला हला कोन मो मोर बासर घर को जाई हां संगे संगे से भितुर आवाज आइल कोन कहले एठी सब कोन पुन्ना कोनटा पुन्ना से लु हां कोनटा पुन्ना ना बड़ अड़ुआ कथा जे प्रथम देखा रे जने हिंदू नारी से पुनी तो कथा कहबा उचित नहि से एते बड़ शब्द केमते कहि देले पुरुना ना एटा बड़ अशोभनीय कथा सब नुवा आनिछु सब ता बापा पे नुवा देछि तले यैथे पई तो तोर राग जे पुरुना कहले कोन हे गला कथा टाकू हां हां अच्छा हला हला तो कथा सुनिबा आउ के अभिजुक्त कर अभिजोग करछु कि हां के कहू छी हम सुकुटी अछि हां सुकुटी सुकुटी के मो भौनी माने भौनी बे कहू छी भाउज को रखिबानी ना देवसे सुनु छंती भाबिले अरे अरे एठी गोटा पारिवारिक सूत्र रे बदोटा कलह लागि छ समाधान हबो अच्छा भौनी रखिलु अगे देवसे चाहि छंती हां झियाटी को डका गला सभा को हां झिया बे सही कथा कहिला कहिला आके आज सकाळ सकाळ मां मते कहले झियो तो भाउज को सांगरे नै जा शीघ्र शीघ्र पोखरी रो गाधई फेरी आसीब मु जेतले भाउज को नै पोखरी तुठरे पहुंचि जाए पोखरी हुडा रे हमर बहु वर्ष धरी गोटे पुरना बरगछ अछि आमे ननद भाउज दुहे जाय देखिलु से बरगछ मूल रे 10 12 वर्षर बालकटिए सन्यासी वेश रे बसिछि मु आगरे अछि ताकु देखिलि किछि कहिलिनि किंतु पछरे थाई भाउज कोन कहिले जानिछ अकाळ बाबा जी सकाळे देखा मु ठिया हेछि भाउज जेतबेळे कहले अकाळ बाबा जी सकाळे देखा से बार 10 12 वर्षर बाबा जी छुआ सिए कोन छाडिला से पर संगे संगे उत्तर देला बेळा पाए कि न पाए पूणी मो भाउज थाई कहउछती श्रोत त बड़ प्रखर से सन्यासी पोटी उत्तर दउछि कातम बड़ जबर मु ठिया हेछि एते बड़ साहस तार मामो गारे मोर साहस होलानी से पुआ पिलाटा सहित कथा आबापई से काली सकाळु आमो घर को बोहुई आइछि से पर पुआ सहित एमिति कथा हाउछि आउरी त पुनी दिन अछि ना पड़ीसा घर पुआ नुआ ना आता को वार्ड रहितो ना वार्ड रे भी नुहा ताका पंचायत रहितो ना से पंचायत रे पुआ भी से नुहा पंचायत रे ना से ब्लॉक रहितो आयो महाबात रे निशा भाग को परिचय ए बुढ़ी से बहु कोन आमो झियो न अरे मु कोन ना को कुटा फिर तन भाग का कुटा की को बहु ना कोन ह तो बहु ना कोन पद पद हां पद पाटरी बसुनी भला ना की आ किनु ना किनु देवसे सुनु छंती जे पद्मनामक बहु आगे सभा मध्य को आसिले देवसे सुनिले बहु की उत्तर देले कहले हां आके मु सब सुनि छी स्वामी मोर जहां कहले ननंद भी जहां कहले अच्छा जो पुरना कथाटा कहला पण मा तो ठीक हला की मो स्वामी को मु काहे के पुरना कहले आपण माने टिके विचार को नियंत कथाटी राती अधरे भिकारी टिकु जेते बे खाली हस्त रे फेरै देले मु चिंता कले सह सह लोक संध्या रे आसी आमा घरु खाई करी गले जणे हेले भी खाली हाथ रे खाली पेट रे केई फेरी नाहंती ले जणे भिकारी आजि आमा द्वारु फेरी गले खाली हाथ रे काहे की मो चिंता कली जो लोक माने आसी घरे खाइले सेमान को घरु मो स्वामी जाई खाई छंती पुरुणा दबानबा कार्य अंक ऊपर अछि तेनो सेमान को डाकी निज घरे बसे खोई सेला परे से तो पुरुणा कर्ज मुक्त हेले बा पुरुणा कार्य रे लिप्त रहिले किंतु भिकारी को जेबे गंडिया खाइबा को देई थांते ताले मो अनुम भाभी थांते जे भिकारी थारु मो स्वामी तो किछ खाई नथिले आ भिकारी पेटटी पूरी थिले हो त पुण्य खाता रे स्वामी करे किछ जमा रही थांता बा पुण्य अर्जन रही थांता सेई दे पाई ए दृष्टि को विचार को नि मु कहि देली एठी कोन सब पुरुणा आय मंगुली खराब किछ पिला खराब कोनी किंतु मो जानी नि मो भली जन शिक्षित झिया को मो बाप मा एबले मूर्खक हाथ रे छंदी देबे अरे नाउडा हे मंगुली मंगुली मो कथा माने एदे बड़ पार्टी करना से पिलाटा ज्ञानी पिला हां मु जति पहुंची थांती हां राती अधेरे मते फेरी दी थातु नेती गंडा मिठा दे था गंडा मिठा तो गुटाई देलु हां
ताले भिकारी रो बोपा थोई न थिला सेते पई तमे देलोनी ताकू तमे जानी छ पुओ भागवत रे कोडे लेखा अछि अति बड़ी जगन्नाथ दश भागवत रा के गोटिए पद लिखि छंती जीव रे जार दया नाही उद्धव चंडाल टिपसे कहिले भागवत रे परा लेखा अछि पुओ जीव रे जार दया नाही उद्धव चंडाल टी सही ए मनुष्य समाज रे प्रकृत चंडाल सही जे अन्य जीव प्रति दया करी सिखि रे साधारण ज्ञान अभाव तार भूल ने खबर तार ए भोली ज्ञानी पिला को आउ दिने तिरस्कार जिमिति न करू बस मोर भूल हां हम सुकुटी कथा बुझु बस तमे आज्ञा देवर्षी चिंता कले बहुमा ठाकुर जहा कहि छंती प्रकृत ज्ञान जिनिसटा के युवकटा इमिति केमिति बुझुछि हां ताले देखिबा आउ को कोन का भीतर चलिछि बुढी हां तो बंश मूर्ख आ को मूर्ख अगे झिया कथा विचार कोना गला हां झियो जा कहिथिले बहु को पचारा गला बुढा बुढा मौसा माने पचले आलो मां ये ननदटी कोन तुम पई ये सब कथा कहछु तमे कोन कहिलो कहिछु बहु उत्तर देले कहले हां आज्ञा मु ननंद को साथी रे आज जे तो जाय पोखरी तुठा रे पहुंच जाए देखि देली 10 12 वर्ष रा बालकटी सन्यासी वेश रे बरगच्छ मूल रे बसी छंते हटात मतुंडर बाहरी पड़िला अकाल बाबा जी सकाळे देखा आज्ञा आपण माने चिंता करूथिबे बहु कोन कहिला अकाल बाबा जी अकाल कहिले काल अर्थ समय अकाल कहिले असमय जे बहु पचारी देला हे बाबाजी पुओ हे बालक सन्यासी जे ये सन्यासी वेश धारण करिबा पई वर्तमान तम पई अकाल असमय तेणु ये वेश को धारण करिबा पई तमरो समय तो वर्तमान हेनी तमे असमय काहे कि बाबाजी वेश को धारण कल बाबाजी को ब्रह्मचारी वेश को काहे कि तमे धारण कल हाँ आज्ञा हे मोर विचारक मंडली आपण को भितर भी यही प्रश्न आसुथिबो ताले बहु जेबे कहि देला बाबाजी हमार समय तमर हेनी बालक तमे काहे कि असमय रे बाबाजी वेश को धारिला ताले आपण माने कहिबे ये संसार भितर ये लोक मान को पाई कोन गोटे समय सीमा रही छि किए केतेले बाबाजी हबो निर्दिष्ट समय हाँ आज्ञा अच्छे चलतु आज्ञा टे भागवत भितर को जीवा अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे पदटे लिखिछंती बहु कहिदेला कहला आज्ञा समय अच्छे पुत्रनी वेशी पत्नी पासे अथवा चली मसन्नासे हाय अथवा आज्ञा भागवत पद पुत्र निवेशी पत्नी पसे अथवा चलिबो सन्यासे पुत्र निवेशी पत्नी पसे ये संसार को जो मनीष आसी जेबे से सन्यास व्रत नबा को चाहिबो जेबे ब्रह्मचारी हबा को चाहिबो ताले गोटे नियम से रखु जे विवाह ला परे पुत्रार्थे क्रियते भाजा पुत्र पिंड प्रयोजन वंश रक्षा करिबा पाई पिंड पड़ी ताहातर टिके पाइबा पाई जड़े मनीष गोटे पुत्र संतान जन्म देबा परे से तार सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो जहा उचि हो ता पथ केही अवरोध करिबे नाही अथवा चलिबो सन्यासे आज्ञा एते के कथा मु कहुथिला बेले थरे जने गोटे सभर जने मौसा उठिले कहले मा भागवत त आ गोटे पद लेखा अछि मु कहली मौसा आउ कोन लेखा अछि ना पत्नी नि वेसे पुत्र पासे अथवा चलिबो सन्यासे आए अथवा मौसा जनक कहले मा भागवत रे परा लेखा अछि पत्नी निवेसे पुत्र पसे अथवा चलिबो सन्यासे ए पुओटिए जन्म हौ हौ जेबे जने व्यक्ति सन्यास व्रत ग्रहण करी घरु चली जीव ये छोट पुओ से स्त्री लोक जनक ताको बढ़ेबा केमिति पाठ साठ केमिति बढ़ेबा दायित्व तार किए नबो तेणु एइटा असंभव कथा पुओटी बड़ हबो पुआ को हाथ को दिहात करिबा ता पई गोटे स्त्री ता पाख को आनिबो बा ताको विवाह शादी करै दबो बापर दायित्व तुटिबो ता पर ता स्त्री को से पुआ पाखरे छाडी दायित्व पई सिए तार बाबाजी हो सन्यासी हो जाहाउ चलिबो आज्ञा मौसा करे कथा सुनिला परे मु कहली मौसा आ गोटे कथा भी आपण माने रखंतु
जे प्रथम कथा हला जड़े गोटिए पु जन्म हवा परे युवक अवस्था रे सन्यास हबो बा ब्रह्मचारी हबो। द्वितीय कथा हला जड़े व्यक्ति गोटिए पु जन्म देई ताको विवाह शादी करी सारिबा परे तापर सात युवक अवस्था नथिबो ना युवक अवस्था जाईथिबो तापर प्रौढ़ अवस्था रे से ब्रह्मचारी बा सन्यासी हबो। ये गले दी प्रकार सन्यासी बा ब्रह्मचारी जड़े युवक जड़े प्रौढ़ किंतु आपण मन रखंतु ता मझे आउ जने भी सन्यासी अछंती आउ जने ब्रह्मचारी अछंती से माने अछंती बाल ब्रह्मचारी ए संसार भी अछंती तले आपण मौसा कुहंतु को ब्रह्मचारी को आपण श्रेष्ठ आसन देबे जने युवक ब्रह्मचारी जने प्रौढ़ ब्रह्मचारी आउ जने बाल ब्रह्मचारी आपण कहा को श्रेष्ठ आसन रे देबे श्रेष्ठ जण को कहिबो कहा को आपण कहिबे ए मुकुता दे कहिथिले टीका गोविंद चंद्र गोविंद चंद्र को कही मुकुता दे कहले बाबू कौन कही परिवे ब्रह्मचारी बसी वृक्ष मूल माने कहे किए से ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी क्या ब्रह्मचारी आगे क्या कहुजी से क्लीयर हौ ता देखा कौ ब्रह्मचारी श्रेष्ठ चार थर भात खाऊ ब्रह्मचारी नाई नाई से कथा नुहे ब्रह्मचारी आज्ञा किए हे मोर भगवत प्रेमी विचारक मंडली आपन टिके ये तो तत्व मार्ग कथा ये हूँ ज्ञान मार्ग कथा आपण माने टिके विचारक नियंतु जे प्रथम कथा ती होची जे ब्रह्मचारी किए जे बेह इबु ब्रह्मचारी नयने न देखिबु नारी नयने अच्युतानंद दास से कहले हे पुरुष तमें जब ब्रह्मचारी हब नयने न देखिबो नारी नारी मुख दर्शन करिबो नाही जो पुरुष से वो प्रकृत ब्रह्मचारी किंतु बलराम दास समर थिले कहले ना ना ये तो बड़ा असंभव कथा संसार चली हबनी नारी मुह चाहिबनी माने को सब बड़ा आखी बंद करिबो नाही जेते बेले जाउ थो नारी देखिबो आखी बुझ चली नारी देखिबो ना नारी देखिले से आखी बंद करिबो टोटल उपरे आखी बुझ चलले से चलिबो केमती संसार रे ये कितु जुक्ति जुक्त नुहे काटी देले बलराम दास से कहले नाही आ गुटे न्याय अछि जे बेह इब ब्रह्मचारी हरिव सत पंचनारी हे पुरुष तमे जो प्रकृत ब्रह्मचारी हब हरिव सत पंच नारी सात पांच बार बार नारी जो पुरुष हरण करिबो सही हब प्रकृत ब्रह्मचारी आज्ञा आपण माने कहिबी जो पुरुष नारी हरण करिबा पुनि एक नुए दुई नुए बार नारी से ब्रह्मचारी केमिति रहिबो ब्रह्मचारी जो व्रत केमिति रहिबो ना से उपजय से ठीक नुए आज्ञा से कथा नुए बलराम दास होउछन्ति हट जोगी हट जोग न्याय रे से कहिले जे बार नारी होउछन्ति बारांगे पर्यंत पवन जीवा आसवा करुचे तेणु जो पुरुष प्राणायाम साधन कर बार नारी रूपक पवन को रोधि पार साधन बस कर पुरुष हम प्रकृत ब्रह्मचारी आज्ञा तृतीय उत्तर तृतीय प्रमाण ये कथा समस्त करें हट जोग समस्त द्वारा संभव हो पारे शारीरिक व्यायाम कि समस्त पारे किंतु आज्ञा तृतीय उदाहरण ब्रह्मचारी किए आपण मैंने जानते प्रजापित ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो मैंने पठनरत से मैंने आध्यात्मिक मार्की आध्यात्मिक जीवन जीवन को अतिवाहित करुवा बेले न्याय से भी कहते प्रकृत ब्रह्मचारी से ही हब जे बेहू ब्रह्मचारी नयने न देखिबु नारी प्रथम मु गाई थी कि पुणी कहीं गायलि ना ए नारी शब्दर अर्थ आज्ञा से नारी नुहंती जेबे होइबो ब्रह्मचारी नयने न देखिबो नारी ये नारी शब्दर अर्थ हो नुक्त अरी समान नारी न अर्थ नुह
अरि कहले शत्रु ए संसार भितर जी ब्रह्मचारी हवाक चाहिए कहारी को से शत्रु दृष्टि रे देखिबे नहीं समस्त को से भाविबे वसुधैव कुटुंबकम समस्त मोर मित्र समस्त मोर कुटुंब समस्त मोर परिजन ए संसार होछि मोर विश्व होछि मोर समस्त को जे मोर दृष्टि रे देखिबो से हेब प्रकृत ब्रह्मचारी आज्ञा आउ गोटे कथा मु आपण मान को कहउछि आउ गोटे ब्रह्मचारी हवाक कहले कोन करबा को पड़िबो जेबे हो इबु ब्रह्मचारी नारी को प्रकृत नारी हे माटी माँ भी हूँ माटी भी हूँ गोटे माँ जी माँ सी हूँ नारी जे ब्रह्मचारी पुरुष सी तुणी तर्प सज्जा सहन करे ना रत्न पलंग शोबे ना से कौन करी माटी माँ कोल से दिन काटे जे प्रकृत ब्रह्मचारी माटी माँ कोल से दिन हरे जे माटी नारी कोल से दिन हर से कहगला खाली एत के भी नुहे आ गोटे पद जे बेहू ब्रह्मचारी नारी को थिबु सिरे धरि हरे नारी को जेबे होइबो ब्रह्मचारी नारी को थिबु सिरे धरि ये तो आउरी बड़ अड़ुआ कथा गोटे टोकेरी पिरि मुंडे बुलु ए मुंड रे गोटे टोकेई थई दे के टोकेरी जने नारी को धरि के बुलिबो ब्रह्मचारी ना से कथा नहि जे जेबे होइबो ब्रह्मचारी नारी के थिबु सिरे धरि सिरे अर्थ श्रेष्ठ आसन रे बसाई थिबु का को नारी होछि शक्ति स्वरूपिणी ए शरीर रे शक्ति अछि को शक्ति जे प्यूरिटी द फाउंडेशन जे ब्रह्मचर्य व्रत व ब्रह्म शक्ति जा पखर जति के अछि से सत्य जे सत्य महान से हे छथि तेणु हे पुरुष तमे जे प्रकृत ब्रह्मचारी हबो तारे ब्रह्मचर्य व्रत बा ब्रह्मचर्य शक्ति को ही तुमको धारण करने को पड़ब यह हूँ ब्रह्मचारी पुरुष लक्षण सत्य के भी नुहे आम अति बड़ी जगन्नाथ दास से भागवत पदटे लिखीदे जे प्रकृत ब्रह्मचारी हेबे संसारे नर छाड़ी नारी ब्रह्मचारी आज्ञा आपण मैंने विचारक मंडल विचार करेंगे भागवत तत्व संसारे नर छाड़ी नारी होई अच्छी के ब्रह्मचारी ये संसार भीतर एमिति पुरुष किए अच्छी से नारी को छाड़ी ब्रह्मचर्य व्रत बा ब्रह्मचारी हेछि आज्ञा आपण माने कहिबे सब पुरुष कोन विवाह हेछंती संसार भीतर केही अविवाहित जने नाहंती ना संसार एमिति केही जने पुरुष नाही जा पाखरे नारी नाही ये तो मु कहुनि अति बड़ी जगन्नाथ दास कहिछंती ताले आपन माने भाबुथिबे ताले एठी को न्याय अछि ना एठी सही आध्यात्मिक न्याय आत्मा परमात्मा भीतिक न्याय एठी नारी किया पुरुष किए आज्ञा मु आपन मान को आगर कहिछि ए प्रकृति बा शरीर होछि गोटे नारी ए प्रकृति कोळ रे शरीर भितरे जदि आत्मा पुरुष न रहिबो ये शरीर कार्यक्षम हबो ए नारी रो किछ सत्ता रहिबो ए प्रकृति रो सत्ता रहिबो तेनो एमिति कोनोसी आत्मा पुरुष नाही जे शरीर रूपक नारी कोलर न रही से ब्रह्मचारी हबो तेनो अति बड़ी जगन्नाथ दास सही कथा पई कहि देले जे नारी रूपक शरीर को छाड़िले आत्मा रूपक पुरुष रो स्थान नाही से ब्रह्मचारी हेई पारिबो नाही शरीर रे रहिले जे ब्रह्मचारी हबो नाही के सत्य कि नहि मु आपन को आउ गोटे प्रमाण दउछि ब्रह्मचारी हबार आउ गोटे लक्षण कोन अछि जेबे हो इबु ब्रह्मचारी ब्रह्म को चारि भाग करि हरे ब्रह्म को हे मोर विदग्ध सज्जन वर्गी आपन टिके हेतो अड़ुआ भावंतुनि कारण नारी गोटे शब्द ये नारी शब्द ऊपर तर्जमा कला परे तो आपण मन अनुमान करिवे ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो छात्र छात्र माने पठन रत से कहारे को छाड़ी नाहंती भागवत ज्ञान अछि पुराण ज्ञान अछि समस्त को से मानंती वेद पढ़ी छंती उपनिषद पढ़ी छंती सब ज्ञान रा आधार ही तक पाखरे अछि से कहारे को हीन मन करि नाहंती कहारे को से छोटा मन करि नाहंती का को से छाड़ी दे नाहंती त आपण माने विचार को नियंतु
जेबे होइबो ब्रह्मचारी ब्रह्म को चारि भाग करी बुला भाई जे ब्रह्मचारी हबो ब्रह्म को से चारि भाग करी आपण कर दे छथि हां मु गोटे ब्रह्मचारी आपण ब्रह्मचारी हां प्रमाण दे परिबे हमकु मु एक ब्रह्म हां मो स्त्री एक ब्रह्म मो पुओ एक ब्रह्म मो झियो एक ब्रह्म आमे ब्रह्मचारी भाग कर दे छी ता माने आपण भाग कर दे छथि ना ये भाग नुहे आज्ञा आपण माने परा कहंती एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति हां तले पुरे ब्रह्म को केमिति भाग करा जीवो चारि स्तंभ रे बसिबो चारि स्तंभ तंक पई निहाति आवश्यक पड़िबो आपण आज्ञा मने रखंतु प्रथम शक्ति तंकर कोण प्रथम शक्ति अछि शुद्ध अन्न अन्न शक्ति न रहिले एक पिंड रहिबो नहीं ना तले प्रथम अन्न शक्ति आवश्यकता को अन्न शुद्ध अन्न जे सत्विक अन्न सत्विक अन्न रे शक्ति जति के आसीबो ए शरीर शक्ति के शक्तिमान हबो ए मन शक्ति के शक्तिमान हबो ए गला प्रथम शक्ति हला अन्न शक्ति ता परे जे अन्न शक्ति पर होचे ब्रह्मचर्य रे शक्ति जे आपण माने लक्ष्य करंतु जे पर्यंत संसार भीतर गोटिए पुआ किमा गोटिए छि आ विवाह व्रत रे बंधी न होई छथि आपण माने तंको कोन कहंती देवता एवं देवी देवी देवता समान कुमारी देवी रूप रे पूजा पाई थांती सते कि बेले जे पर्यंत से विवाह न होई थिबे आपण माने कहंती से मान छथि देवी देवता समान काहे कि न तंको पखरे से शक्ति रे अधिकारी समान हेई थांती ब्रह्मचर्य शक्ति थाए तनो ब्रह्मचर्य हला द्वितीय शक्ति अन्न शक्ति हला प्रथम शक्ति ए तृतीय शक्ति दीटा शक्ति गला परे तृतीय शक्ति होची दिव्य गुण र शक्ति जे आजि बडीस अछि ना पके सब अछि किंतु गुण र अभाव को गुण र अभाव जे दिव्य गुण कहले देवता हवार गुण हम पके दया नाही हम पके क्षमा नाही हम पके सहनशील नाही हम पके धैर्यता नाही नम्रता नाही पवित्रता नाही किछ नाही तर ये जो दिव्य गुण जहाँ पखरे रहिबा गुण रूपक शक्ति जहाँ पखरे रहिबा से हबा तृतीय नंबर शक्ति बा तीन शक्ति हला गुण अगे चतुर्थ शक्ति अगे चतुर्थ शक्ति होचे सत संगर शक्ति अगे सत संग पहिले जे गणे की ट्रुथ भगवान ही सत्य जे जेहेतु भगवान सत्य से भगवान को बस सत्य को सहित जो आत्मार संपर्क रहिबो जो संग लाभ करबा आत्मा परमात्मा संग हला परे जो शक्ति ग्रहण करबो ए आत्मा ताको कुहा जीव सत संग तरे आपण माने विचार को मंडले विचार करंतु प्रथम हला अन्न शक्ति द्वितीय हला ब्रह्मचर्य शक्ति तृतीय हला दैवी गुण र शक्ति चतुर्थ हला सत संग र शक्ति अज्ञान रूप अंधकार भीतर मनुष्य निजको हजई देछि तेरो हे सज्जन वर्ग जे मु आपण मान को जाई देबा को चाहि ये अज्ञान रूप अंधकार भीतर बाहरी आसीबा को हेले प्रत्येक मनुष्य निजे निजर ठिकाना को जानि रखिबा उचित आज एही अध्याय मु आपण मान को कहि रखुछि कोन ठिकाना मनुष्य पकर ठीक रहबा उचित आगामी अध्याय मु आपण मान को स्पष्ट भाबे जणै देबी आज समय हे जाइछि दिनानन सर्वरक्षण महाभाव।